दोस्तों आज गुल्ली बुली और सोन जंडू चाचा के गांव जा रहे हैं, क्योंकि गुल्ली बुली और सोन को जंडू चाचा से मिले हुए काफी दिन हो चुके हैं और इधर जंडू चाचा की तबीयत भी काफी खराब चल रही है। लेकिन हर बार की तरह आज भी गुल्ली तैयार होने में काफी लेट लगा रहा है। गुल्ली बुल्ली को बाहर से कब से आवाज लगा रहा है, लेकिन बुल्ली तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। गुल्ली जल्दी बाहर आओ वरना हमारी बस लेट हो जाएगी। सोन बोलता, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, गुल्ली हर बार की तरह इस बार भी लेट कर रहा है और अगर हमारी बस छूट गई तो हम लोग आज जंडू चाचा के घर नहीं जा पाएंगे। सोन की बात सुन कर गुल्ली जोर जोर से बुल्ली को आवाज लगाने लगता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, यहाँ पे काम चल रहा है, निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। गुल्ली बोलता, गुल्ली तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, अगर हमारी बस छूट जाएगी तो हम लोग जंडू चाचा के यहाँ आज नहीं जा पाएंगे। गुल्ली बोलता, गुल्ली तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने अलग से बस बुक कर दिया है। गुल्ली बोलता, गुल्ली तुम्हें इसकी क्या जरूरत थी, बस बुक करने में तो काफी ज्यादा खर्च आया होगा। गुल्ली बोलता, तुम मेरी इतनी फिक्र मत किया करो गुल्ली, क्योंकि बस बुक करने में मुझे एक रुपए भी नहीं देने पड़े हैं। गुल्ली बोलता, वो कैसे बुल्ली, क्योंकि मैंने तुम्हारे पर्स में से सारे पैसे चोरी कर बस वाले को किराया दे दिया है। गुल्ली की बात सुनकर गुल्ली का पारा हाई हो जाता है और वहीं पर मारपीट चालू हो जाती है। सोन बोलता, तुम लोग लड़ाई झगड़ा करना बंद करो, देखो बस भी हमारी आ चुकी है। बस की आवाज सुनकर सारे लोग बस के पास चले जाते हैं। बस को देखकर गुल्ली बोलता है, इतना बड़ा बस बुक किया है, वो भी सारे मेरे पैसे का, इतना सारा पैसा तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। सोन बोलता, अपना गुस्सा शांत करो गुल्ली, अब जो हो गया सो हो गया, अब जल्दी चलो, हमें जंडू चाचा के यहाँ जाने में लेट हो रही है। और फिर इतना बोलकर सोन बस के अंदर चला जाता है। सोन अंदर से आवाज लगाता है, गुल्ली बुल्ली तुम लोग भी जल्दी से अंदर आ जाओ। सोन की आवाज सुनकर गुल्ली दौड़कर बस के अंदर चला जाता है, लेकिन गुल्ली अभी बस के बाहर ही खड़ा है। गुल्ली बोलता है, ये बस वाला देखने में तो मुझे चोर लग रहा है। गुल्ली की बात सुनकर बस वाला गुल्ली को घूरने लगता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहे हैं, हलवा है क्या? सोन बोलता, गुल्ली अब तुम गुल्ली का गुस्सा इस बस वाले ड्राइवर पर मत उतारो, हमें जल्दी से जंडू चाचा के यहाँ जाना है, अब जल्दी से बस के अंदर आकर बैठ जाओ। और फिर गुल्ली भी बस के अंदर जाकर बैठ जाता है। गुल्ली बस के ड्राइवर को बोलता है, अब जल्दी से बस को सीधा जंडू चाचा के गांव लेकर चलो, ऐसे ही काफी देर हो चुकी है। बस का ड्राइवर बोलता है, मैं बस तो चलाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम लोग कोई भी हल्ला चिल्ला मत करना, मुझे शोर शराबे से काफी ज्यादा तकलीफ है। बुल्ली बोलता, ठीक है अब जल्दी से तुम बस को स्टार्ट करो। और फिर बस जंडू चाचा के गांव जाने के लिए निकल जाती है। सोन बोलता, गुल्ली बुली मुझे तो ये बस ड्राइवर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, कहीं ये बस ड्राइवर हम लोग को किडनैप ना कर ले। गुल्ली बोलता, सोन तुम अपना दिमाग को ज्यादा ही चला रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुल्ली बोलता, अगर ये किडनैपर निकला तो उसके बाद तो मैं इसका क्या हल करूंगा, वो तो वही जानेगा, ऐसे भी आज सुबह से मेरा दिमाग सनका हुआ है। बस का ड्राइवर बोलता, तुम लोग मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हो, अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं बस को यहीं पर रोक दूंगा, और तुम लोग मुझे जानते नहीं हो कि मैं कितना बड़ा गुंडा आदमी हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर गुल्ली का पारा हाई हो जाता है। सोन बोलता, वाह गुल्ली तुमने तो इस बस ड्राइवर का एक बार में सारा गुस्सा निकाल दिया, साला ये बहुत तेज बन रहा था, अब ये दोबारा बस रोकने की गलती नहीं करेगा। तभी एक बार फिर से बस रुक जाती है। सोन बोलता, गुल्ली जाओ एक बार फिर से तुम इस बस ड्राइवर की अच्छी सी कुटाई कर आओ। बस का ड्राइवर पीछे मुड़ता और बोलता है, मैंने बस को नहीं रोकी है, बस का शायद टायर पंचर हो चुका है इसीलिए बस रुक गई है, रुको अभी मैं बाहर जाकर देखता हूँ। यहाँ तो बस का टायर एक पंचर हो चुका है। गुल्ली बोलता, गुल्ली ये तुमने कैसा बस बुक किया है, तुमने तो मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए। बस का ड्राइवर बोलता है, बस को कुछ नहीं हुआ है, बस इसका टायर पंचर हुआ है। गुल्ली बोलता है, पंचर बनाने में कितना समय लगेगा? पंचर बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 20 मिनट लगेंगे। सोन बोलता है, बस को भी अभी पंचर होना था, वो भी ऐसे सुनसान जंगल में। बस का ड्राइवर बोलता है, ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, आए दिन इस जंगल में मरे हुए लोगों की लाशें मिलती रहती है। ये सुनकर तो गुल्ली बुल्ली सोन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुल्ली बोलता है, तब तो हमें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाना चाहिए। बस का ड्राइवर बोलता है, तुम लोग बस के अंदर जाकर बैठो, बाहर रहना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे भूखे भेड़िए हैं, अगर उन भेड़ियों की नज़र तुम पर पड़ गई तो वो लोग तुम्हें इस जंगल में उठा कर लेकर जाएंगे, मैं थोड़ी ही देर में पंचर बनाकर अंदर आता हूँ। गुल्ली बोलता, हाँ गुल्ली और सोन हमें अंदर चलना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन बस के अंदर जाकर बैठ जाते हैं।
सोन बोलता है देखो जंगल के अंदर से भेड़िए के चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। वो बस का ड्राइवर सही बोल रहा था, बस जल्दी से हम लोग किसी तरह जंडू चाचा के गांव पहुंच जाए। और इधर भेड़िए की नजर उस बस ड्राइवर पर पड़ चुकी है। सोन बोलता है बाहर से किसी के चिल्लाने की तो आवाज आ रही है। गुल्ली बोलता है कहीं उस बस ड्राइवर पर भेड़िया हमला तो नहीं कर दिया। गुल्ली बोलता है अगर ऐसी बात है तो हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। सोन बोलता है गुल्ली तुम भूल गए बस के ड्राइवर ने क्या कहा था, अगर भेड़िए की नजर हम पर पड़ गई तो वो हमें भी अपने साथ जंगल में उठा कर लेकर जाएगा। गुल्ली बोलता है सोन अगर बाबा लंगोटी लाल को पता चल गया कि तुम भेड़िए के डर से बस के अंदर छिपकर बैठे हुए थे तो बाबा तुम्हें कमरे में बंद कर बहुत मारेंगे। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली हमें बाहर चलकर देखना चाहिए, हम लोग उस बस ड्राइवर की मदद कर सकते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन बस के बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर वो लोग देखते हैं बाहर तो पूरा सन्नाटा है और बस का ड्राइवर भी कहीं नहीं दिख रहा। गुल्ली बोलता है बुल्ली कहीं उस बस के ड्राइवर को भेड़िया तो उठाकर नहीं ले गया। सोन बोलता है वो देखो वहाँ पर खून भी गिरा हुआ है और ये खून का निशान तो सीधे जंगल के अंदर जा रहा है। गुल्ली बोलता है लगता है कि वो भेड़िया बस के ड्राइवर को जंगल के अंदर घसीट कर ले गया है। गुल्ली बोलता है हमें देर नहीं करना चाहिए, हमें इस खून का निशान का पीछा करना चाहिए। सोन बोलता है गुल्ली अगर उस भेड़िया ने हमें देख लिया तो क्या होगा। गुल्ली बोलता है ये सब सोचने का समय नहीं है, हमें बस बस के ड्राइवर को बचाना है, अब जल्दी मेरे पीछे आओ। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन खून का पीछा करते करते जंगल के और अंदर चले जाते हैं। आगे जाकर गुल्ली रुक जाता है। गुल्ली बोलता है क्या हुआ गुल्ली तुम यहाँ पर क्यों रुक गए। गुल्ली बोलता है जरा ध्यान से सुनो ये आवाज तो झाड़ी के पीछे से आ रही है, लगता है कि वो भेड़िया उस झाड़ी के पीछे ही छिपा हुआ है, हमें आगे चलकर देखना चाहिए। गुल्ली बोलता है जल्दी यहाँ से भागो अपनी अपनी जान बचाओ। Run. आगे जाकर वो लोग एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और भेड़िया वहाँ से चला जाता है। गुल्ली बोलता है बुल्ली उस भेड़िया ने तो उस बस ड्राइवर को मार डाला है और वो हमें भी देख लिया तो वो हमारा हाल भी बस के ड्राइवर के जैसा ही करेगा। तभी वहाँ पर बस की हॉर्न की आवाज आती है। गुल्ली बोलता है लगता है कि यहाँ पर से कोई बस गुजर रहा है, हमें उस बस में बैठकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। गुल्ली बोलता है जल्दी मेरे पीछे आओ इससे पहले कि बस यहाँ से चली जाए, हमें उस बस में जाकर बैठ जाना चाहिए। आगे जाकर गुल्ली बुल्ली सोन को वो बस दिख जाती है और फिर वो तीनों उस बस के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली सोन को शायद पता नहीं है कि ये बस कोई आम बस नहीं है बल्कि एक श्रापित बस है और इसमें बहुत सारे मुर्दे भी बैठे हुए हैं। गुल्ली बोलता है जल्दी से बस को यहाँ से लेकर चलो क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, इस जंगल में खूंखार भेड़िया घूम रहा है। बस स्टार्ट होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। गुल्ली बोलता है बस तो काफी धीरे चल रही है, अगर इतनी ही धीरे बस चलती रही तो वो भेड़िया हम पर हमला भी कर सकता है। गुल्ली बोलता रुको अभी मैं बस ड्राइवर को बोलता हूँ बस को थोड़ा स्पीड करने के लिए। सोन बोलता गुल्ली इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, ये बस काफी पुराना और खटारा भी है, मुझे तो लगता है कि ये इससे स्पीड चली नहीं सकती। तभी जंगल में से भेड़िया की चिल्लाने की आवाज आती है। गुल्ली खिड़की से सर निकालकर बस के बाहर देखता है। गुल्ली देखता है कि वो भेड़िया बस का ही पीछा कर रहा है, ये देखकर तो गुल्ली काफी डर चुका है। गुल्ली बोलता क्या हुआ गुल्ली तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। गुल्ली बोलता है वो भेड़िया हमारा पीछा कर रहा है और अगर बस इसी स्पीड में चलती रही तो वो हमारा पीछा कर लेगा और वो हमें मार डालेगा। गुल्ली वहाँ से उठता है और बोलता रुको अभी मैं बस ड्राइवर को जाकर बोलता हूँ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है इसीलिए बस को थोड़ा स्पीड चलाओ। और फिर गुल्ली बस के ड्राइवर के पास चला जाता है। गुल्ली बोलता तुम बस को थोड़ा स्पीड चलाओ क्योंकि कोई हमारा पीछा कर रहा है और अगर तुमसे बस स्पीड नहीं चल रही तो तुम मुझे बस चलाने के लिए दे सकते हो। लेकिन बस ड्राइवर तो गुल्ली की बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहा और वो बस धीरे धीरे बस को चला ही जा रहा है। गुल्ली बोलता मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ लेकिन तुम्हें मेरी एक बात भी नहीं समझ में आ रही। बस के ड्राइवर के कुछ ना बोलने के कारण गुल्ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बस के ड्राइवर को एक घूंसा मार देता है। अरे ये क्या, बस के ड्राइवर ने तो अपना मुंडी को ही उल्टा कर दिया है।
ये देखकर गुल्ली डर जाता है और वो समझ जाता है कि ये बस कोई मामूली बस नहीं है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे भूत और चुड़ैल बैठे हुए रहते हैं। गुल्ली ये देखकर तो और भी डर जाता है और वो चुपचाप वापस गुल्ली और सोन के पास चला जाता है। बुल्ली बोलता, क्या हुआ गुल्ली, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो और तुमने बस ड्राइवर को अभी तक नहीं बोला बस को तेज चलाने के लिए। तभी एक बार फिर से बुल्ली खिड़की के बाहर देखता है लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं रहता। बुल्ली बोलता, चलो कोई बात नहीं, अब भेड़िया यहाँ से चला गया है, अब हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सोन बोलता है, अब बस जल्दी से हम लोग किसी तरह जंडू चाचा के गाँव पहुँच जाए। गुल्ली बोलता, बुल्ली और सोन तुम दोनों को इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें भेड़िया से तो छुटकारा मिल चुका है लेकिन हम लोग उससे ही बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। गुल्ली बोलता, ये क्या बोल रहे हो गुल्ली। गुल्ली बोलता, हाँ जिस बस में हम लोग चढ़े हुए हैं ये बस कोई मामूली बस नहीं है बल्कि ये बस भूतों का बस है और इसमें जितने सारे भी लोग बैठे हुए ये सारे लोग भूत और चुड़ैल है और इस बस का ड्राइवर भी भूत है। ये सुनकर गुल्ली और सोन का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। सोन बोलता, गुल्ली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और आखिरकार ये बस को ले कहां जा रहा है। गुल्ली बस के ड्राइवर को जोर से आवाज लगाकर बोलता है कि तुम आखिरकार बस को कहां लेकर जा रहे हो। बस का ड्राइवर बोलता है, ये बस सीधे खाई में जाएगी और हम लोग मरने वाले हैं, तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बस खाई में जाएगी, ये हम लोग मरेंगे, वाओ। गुल्ली बोलता है, ये सब तो पहले से ही मरे हुए हैं और कितनी बार मरेंगे। गुल्ली बोलता, गुल्ली तुम्हें इन लोगों की मरने की चिंता है, इसके साथ साथ हम लोग भी मर जाएंगे। बस का ड्राइवर बोलता है, तुम लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, 5 मिनट में ही खाई आ जाएगा और 5 मिनट में ही ये बस खाई के अंदर होगी। ये बहुत मजा आएगा, ये बस को खाई में कुदा दो। और अब ये बस पूरी रफ्तार में खाई की तरफ जा रही है। गुल्ली बोलता, गुल्ली जल्दी कुछ सोचो नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे, ये बस के सारे लोग मुझे पागल लग रहे हैं। सोन बोलता, रुको अभी मैं इन लोगों से बात करता हूँ। और फिर सोन अपने सीट पर से उठकर आगे चला जाता है। सोन जोर से चिल्लाकर बोलता, अगर ये बस खाई से नीचे कूदेगी तो हम लोग मारे जाएंगे। गुल्ली पीछे से चिल्लाकर बोलता है, सोन तुम वापस यहाँ पर आ जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सोन बोलता, नहीं गुल्ली मैं इन लोगों को समझा कर ही रहूंगा वरना इन लोगों की वजह से हम लोग भी मारे जाएंगे। और एक और फिर से सोन उन लोगों को समझाने लगता है लेकिन सोन की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा, जैसे लग रहा है कि वो लोग बहरे हैं। सोन एक के कान में जाकर जोर से चिल्लाता है, सोन वापस पीछे चला जाता है। गुल्ली बोलता, देखा सोन मैंने पहले ही बोला था कि वहाँ पर मत जाओ लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। लेकिन सोन कुछ भी नहीं बोलता, लगता है कि उसने जोर से सोन को थप्पड़ मारा है। गुल्ली बोलता, अपनी बकैती बंद करो, अब हमें कुछ यहाँ से निकलने का सोचना होगा। गुल्ली बोलता, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम लोग इन लोगों में से किसी एक को पकड़ लेते हैं और इन लोगों से बस रोकने की धमकी देते हैं। गुल्ली बोलता, वाह बुल्ली ये तो बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन इसमें से हम लोग पकड़ेंगे किसको। सोन बोलता है, जिसने मुझे मारा है तुम लोग उसी को पकड़ो, साले ने मुझे बहुत जोरदार थप्पड़ मारा है। गुल्ली बोलता, तो ठीक है सोन अब तुम ही जाओ और उसे पीछे बुला कर लेकर आओ, अब थप्पड़ का बदला लात घूसों से लिया जाएगा। सोन अपना सर हिलाता है और वापस उसी पागल आदमी के पास चला जाता है। सुनिए ना भैया, हम लोगों ने आपके लिए कुछ पीछे खातिरदारी का इंतजाम किया हुआ है, आइए ना आपको पीछे खर्चा पानी किया जाएगा। सोन की बात सुनकर वो पागल आदमी सोन के पीछे पीछे गुल्ली बुल्ली के पास चला जाता है। सोन बोलता है, अब जल्दी से इसकी खातिरदारी शुरू कर दो। और फिर क्या था, गुल्ली बुल्ली उस पागल आदमी को पकड़ लेते हैं और सोन अपना बदला लेने लगता है। उस पागल आदमी को पीटता देख सारे पागल उसके तरफ देखने लगते हैं। गुल्ली बोलता, सोन अपने पीछे देखो, सारे लोग हमें ही देख रहे हैं। सोन बोलता, अगर तुम लोग चाहते हो कि हम लोग इसे ना मारे तो तुम लोग अभी के अभी यहीं पर बस को रोक दो, नहीं तो हम लोग इसकी तोड़ाई फिर से चालू कर देंगे। सोन की बात सुनकर सारे पागल का दिमाग घूम जाता है और धीरे धीरे सारे लोग सोन की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन तो किसी तरह अपनी जान को बचा चुके हैं लेकिन ये बस तो सीधे खाई में जाकर गिरती है जिससे कि सारे लोग मारे जाते हैं। गुल्ली बोलता है, यहाँ से जंडू चाचा का घर ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग यहाँ से जल्दी से भाग कर जाते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सोन बोलता है, तो जल्दी यहाँ से भागो। Run. सारे लोग थोड़ी ही देर में जंडू चाचा के घर पर पहुंच जाते हैं
जंडू चाचा तो घर के बाहर ही बैठे हुए हैं। जंडू चाचा बोलते हैं, तुम लोग इतना हाँफ क्यों रहे हो, कहीं तुम लोग के पीछे कुत्ते तो नहीं पड़ गए। गुल्ली बोलता, नहीं चाचा, हम लोग रास्ते में एक बस में बैठे थे जिसमें बहुत सारे पागल लोग थे और वो बस सीधे खाई में जाकर गिर गई है। हम लोग तो किसी तरह वहां से जान बचाकर यहां तक आए हैं। जंडू चाचा गुल्ली की बात सुनकर खड़े हो जाते हैं और काफी परेशान भी। गुल्ली बोलता, क्या हुआ जंडू चाचा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। जंडू चाचा अपनी उंगली को बगल की ओर इशारा करते हैं और बोलते हैं, कहीं वो बस ये तो नहीं। गुल्ली बुल्ली सौर उस बस को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि ये वही बस है जो कि खाई में गिरी थी। सोन बोलता, हाँ चाचा ये बस तो वही है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे। जंडू चाचा बोलते हैं, ये बस पिछले 50 सालों से यहीं पर खड़ी है क्योंकि 50 साल पहले इस बस के सारे लोग खाई में गिरकर मारे गए थे और तब से इसमें मारे जाने वाले लोगों की आत्माएं आज तक इस जंगल में भटकती हैं।